स्ट्रेंजर थिंग्स नेटफ्लिक्स का एक ऐसा शो है जिसमें साइंस फिक्शन, हॉरर, टीनेज ड्रामा, थ्रिल सब कुछ देखने मिलता है। और अगर आप लोगों को ये सब एलिमेंट्स देखने में अच्छा लगता है तो फिर तो ये शो बहुत ही पसंद आएगा। इस शो को डफर ब्रदर्स ने क्रिएट किया है और इसका पहला सीजन जुलाई 15, 2016 को रिलीज हुआ था। यह शो 1980s में बेस्ड है। शो में प्राइमरी 4 कैरेक्टर्स है, माइक, विल, डस्टिन और लूकस, जो फ्रेंड्स होते हैं। और एक दिन विल अचानक से लापता हो जाता है। इसी प्लॉट के अराउंड इस शो का प्रीमाइस है। और भी कई सारे कैरेक्टर्स है, जॉयस बायर्स, विल और जोनाथन की माँ, जिम होपर, हॉकिंस शहर का पुलिस ऑफिसर, नैन्सी, माइक का बहन, स्टीव नैन्सी की बॉयफ्रेंड, और सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर इलेवन, उसे हम कैसे भूल सकते हैं। इलेवन इस शो का सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। इलेवन के पास साइकोकाइनेटिक और टेलीपैथिक एबिलिटीज है, जो अपने माइंड से चीजों को कंट्रोल कर सकती है। हॉकिंस नेशनल लेबोरेटरी में एक रिफ्ट ओपन हो जाता है, जिससे अपसाइड डाउन एक ऑल्टरनेट डायमेंशन होता है अर्थ का। उसका रास्ता खुल जाता है और वहां से एक मॉन्स्टर स्क्रीचर अर्थ पे आ जाता है और विल को अपसाइड डाउन वाले डायमेंशन में ले जाता है। अब विल के फ्रेंड्स, उसका माँ और पुलिस कैसे ढूंढता है उसे और बचाता है, इसी के अराउंड ये स्टोरी चलता रहता है। इस शो का सबसे बेस्ट चीज है कैरेक्टर डेवलपमेंट। एक एक कैरेक्टर्स को बहुत ही बेहतरीन से लिखा गया है कि हम इंस्टेंटली कनेक्ट हो जाते हैं उन कैरेक्टर्स के साथ। सबका एक्टिंग परफॉर्मेंसेस बहुत ही अच्छा है। स्क्रीन पे कहीं पर भी लैग नहीं करता है, बिल्कुल हुक करके रखेगा आपको। एक शो के हिसाब से VFX अच्छा है, कहीं पर भी चीप नहीं लगता है। डायरेक्टर सिनेमेटोग्राफर टॉप क्लास है। जिस तरह से 80s के एरा को और हॉकिंस शहर को प्रेजेंट किया है वो सच में अमेजिंग था। वाइड एंगल शॉट से स्कूल लैंडस्केप जब दिखता है तब ऐसा लगता है कि हम सच में 90s-80s में पहुंच चुके हैं। जिम होपर और जॉयस बायर्स, ये दो कैरेक्टर्स हमें बहुत ही इमोशनल कर देता है। उनके कैरेक्टर्स को देख के हमें अपने पेरेंट्स का याद आ जाता है। मुझे सबसे ज्यादा स्टीव और डस्टिन, ये दो कैरेक्टर्स पसंद आए। स्टीव को हम पहले देखते हैं कि वो एक टिपिकल लड़का होता है जिसे बस अपनी परी है, बट धीरे धीरे करके उसका कैरेक्टर जैसे डेवलप होता है, उसमें जो चेंजेस आता है वो करने लगता है दूसरों की, वो बहुत अच्छा लगा। डस्टिन एक प्यारा और क्यूट कैरेक्टर है जो हमेशा अपने दोस्तों का साथ देता है। डस्टिन और स्टीव, इन दोनों का जो बॉन्डिंग रोमांस दिखाया है वो सच में बहुत ही अच्छा लगता है। इलेवन के पास जो पावर्स है उसे वो कैसे यूज करती है और मॉन्स्टर्स क्रिएचर के साथ लड़ती है, वो मजा आ रहा था देख के। इलेवन को एक ऐसा कैरेक्टर दिखाया है जिसे कुछ पता नहीं होता आउटसाइड वर्ल्ड के बारे में और क्या चल रहा है वहाँ। इलेवन के कैरेक्टर बहुत अच्छा है कि कैसे वो सीखती है धीरे धीरे इस वर्ल्ड के बारे में, कैसे चीज़ों को एडप्ट करती है। मेरे तरफ से ये शो मैं 100% रिकमेंड करता हूँ। एक बार ज़रूर देखिएगा और सीजन 2 का रिव्यू एंड डिस्कशन अगले वीडियो में करूँगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।